नमस्कार। राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज यहां आयोजित एक विशेष समारोह में माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। Greetings from the iconic Darbar Hall of Rashtrapati Bhavan, where in a short while from now, the Honorable President of India, Shri Ramnath Kovind, will confer the Padma Awards. Padma Puraskar Ganatantra Divas ki purv sandhya par har varsh ghoshit kiye jate hain. 2020 ke liye 141 Padma Puraskaron ki ghoshna hui thi, jinmein 7 Padma Vibhushan, 16 Padma Bhushan और 118 पद्मश्री शामिल हैं। 33 महिलाओं को इन अलंकरणों के लिए चुना गया है और इस समय जो समारोह दरबार हॉल में आयोजित हो रहा है उसमें माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा 4 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 61 पद्मश्री सम्मान प्रदान किए जाएंगे। श्री जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया जा रहा है। उनकी पत्नी श्रीमती लीला कबीर उनकी तरफ से ये सम्मान ग्रहण करेंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य दरबार हॉल में उपस्थित। श्री छन्नूलाल मिश्रा को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती संगीता जेटली, श्री अरुण जेटली जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है, उनकी पत्नी संगीता जेटली जी ये सम्मान ग्रहण करेंगी। श्रीमती सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है और उनकी पुत्री बांसुरी स्वराज ये सम्मान ग्रहण करेंगी माननीय राष्ट्रपति महोदय से। द लेजेंडरी पंडित छन्नूलाल मिश्रा इज अ डॉयन ऑफ द किराना घराना एंड हियर वी सी सम ऑफ द अदर्स हु विल बी रिसीविंग पद्म अवार्ड्स। Pandit Chanulal Mishra is specially loved for his gaiki and the Purab Ang Thumri, and he is a seventh generation artist. Pandit Chanulal Mishra is being given the Padma Vibhushan for art. अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले जिन व्यक्तियों को आज माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे उनके परिजन भी दरबार हॉल में उपस्थित हैं। पीवी सिंधु जो कि भारतीय बैडमिंटन की स्थापित तारिका हैं, दुनिया भर में उन्होंने भारत का परचम फहराया है, उन्हें भी आज सम्मानित किया जा रहा है। एक बहुत ही खास अवसर उन सभी के लिए जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सम्मानित होने वाले व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं। श्री मुमताज अली, हु इज बेटर नोन एज श्री एम, विल रिसीव द पद्म भूषण फॉर स्पिरिचुअलिज्म। Shri M is a yogi and is known for his work on social issues and promotion of interfaith peace and harmony. He loves to say, begin with perfecting your daily life. That's the way to perfection. Pratham pankti mein vishisht atithigan, Vitt Mantri Shrimati Nirmala Sitaraman, Kendriya Videsh Mantri Shri S. Jaishankar, Darbar Hall mein upasthit varishth adhikari gan, और जैसा हमने कहा कि सम्मान प्राप्त करने वालों से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े सभी लोग, भारतीय महिला फुटबॉल की जानी पहचानी शख्सियत पेम्बेम देवी जिन्हें आज अलंकृत किया जा रहा है। एक बहुत ही विशिष्ट अवसर है। पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में प्रदान आरंभ किए गए थे। 1978, 1979, 1993 से 1997 के थोड़े से अंतराल को छोड़कर ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित होते हैं। कंगना रनौत भारतीय सिने जगत की विशिष्ट तारिका, साथ में अदनान सामी उनके दाहिनी ओर आगे की पंक्ति में बैठे हुए, गायन के क्षेत्र में अनोखी प्रतिभा, रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी की जानी पहचानी शख्सियत, सभी आज दरबार हॉल में उपस्थित। Keeping its promise of honoring unsung heroes, the government honors with these prestigious awards several personalities who have served the poor, set up free schools and popularized tribal arts. And warm greetings as the Honorable Prime Minister
Shri Narendra Modi arrives here at the Darbar Hall, Home Minister Shri Amit Shah. Of the many unsung heroes are people like Dr. Yogi Aron, who is renowned as a plastic surgeon, but he gave up a lucrative career abroad to treat patients in India. He treats patients, especially those with facial burns, free of cost, and he's fondly called the Yogi of Malsi. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है दरबार हॉल में। कुछ ही समय के पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का आगमन होगा, जो आज इस विशेष समारोह में 4 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 61 पद्मश्री अलंकरण प्रदान करेंगे। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाने वाला अलंकरण है। इन पुरस्कारों को प्रदान करने का आशय किसी विशिष्ट कार्य को दरअसल मान्यता प्रदान करना है। सभी प्रकार की गतिविधियों जैसे कला, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों और सेवाओं के लिए ये अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। These are unforgettable moments for the awardees and their families who are being awarded with some of the highest awards in the country. In keeping with COVID protocols, everyone is masked at the moment. We see the presence of dignitaries from all walks of life, along with the unsung heroes who carry on relentlessly with their work regardless of recognition. But this is a national recognition that they are receiving, a national platform for the work that they have been doing tirelessly. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, साथ में गृह मंत्री श्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू का आगमन, माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा उनका अभिवादन दरबार हॉल में, ऑफ द वेरियस पद्मश्री रिसिपिएंट्स इज डॉक्टर सुशोभन बैनर्जी, who is better known as Ek Takar Daktar, or the One Rupee Doctor, for treating poor patients for just one rupee. Dr. Damayanti Beshra, who is a Padma Shri for literature and education, reputed Santhali author and Adivasi researcher, known for her important contributions to the language. पद्म पुरस्कारों के प्रदान करने का आज ये पहला चरण है। राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का दरबार हॉल में आगमन हो चुका है। अभिवादन स्वीकार करते हुए उपस्थित विशिष्ट अतिथिगणों का, प्रथम पंक्ति में विराजमान श्रीमती सविता कोविंद, राष्ट्र की प्रथम महिला। In just a short while from now, the Honorable President of India will arrive at the Darbar Hall after the national anthem has been played and the President takes his seat. The Home Secretary will approach the President and request his permission to begin the civil investiture ceremony. On receiving the President's assent, the Home Secretary will read the name and the field of the awardees. First, the Padma Vibhushan, followed by the Padma Bhushan, and then the Padma Awards. After the presentation of the decorations, the Home Secretary will approach the President and seek his permission to bring the ceremony to a close.
the buglers mark the arrival of the Honorable President of India, Sri Ramnath Kovind. माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो इस अलंकरण समारोह का आरंभ किया जाए। पद्म पुरस्कार 2020, सबसे पहले पद्म विभूषण श्री जॉर्ज फर्नांडिस मरणोपरांत लोक कार्य, उनकी पत्नी श्रीमती लीला कबीर फर्नांडिस। श्री अरुण जेटली मरणोपरांत लोक कार्य, उनकी पत्नी श्रीमती संगीता जेटली। पंडित छन्नूलाल मिश्र कला हिंदुस्तानी संगीत।
श्रीमती सुषमा स्वराज मरणोपरांत उनकी लोक कार्य उनकी पुत्री सुश्री बांसुरी स्वराज। पद्म भूषण श्री महामान्यवर सैयद मुजम्मल अली मरणोपरांत लोक कार्य उनकी पत्नी श्रीमती तोहफा जमान अली। श्री मुमताज अली श्री एम अध्यात्म। श्री एस सी जमीर लोक कार्य। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी समाज सेवा पर्यावरण। डॉक्टर नीलकंठ रामकृष्ण माधव मेनन मरणोपरांत लोक कार्य उनकी पत्नी श्रीमती रेमा डी मेनन। कुमारी पीवी सिंधु खेल बैडमिंटन। पद्मश्री श्री शशधर आचार्य कला लोक नृत्य।
डॉक्टर योगी एरन चिकित्सा सर्जरी। श्री जयप्रकाश अग्रवाल व्यापार एवं उद्योग। श्री काजी मासूम अख्तर साहित्य एवं शिक्षा। एयर मार्शल डॉक्टर श्रीमती पद्मा बंदोपाध्याय PVSM AVSM VSM सेवानिवृत्त चिकित्सा। डॉक्टर सुशोभन बनर्जी चिकित्सा। डॉक्टर दमयंती बेश्रा साहित्य एवं शिक्षा। डॉक्टर हिमताराम भांभू समाज सेवा पर्यावरण। श्री गफूर भाई बिलाखिया व्यापार एवं उद्योग। श्री मदन सिंह चौहान कला लोक गायन।
डॉक्टर पुरुषोत्तम दादीच, पूर्व दादीच, कला कथक नृत्य। प्रोफेसर इंदिरा दस नायक मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा, उनकी पुत्री सुश्री रुवानी वत्सला इष्टवीरा दस नायक। सुश्री ओयनम बेमबेम देवी, खेल फुटबॉल। प्रोफेसर बेंगलुरु नजुंदिया गंगाधर, चिकित्सा साइकाइट्री। डॉक्टर रमन गंगा खेडकर, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। श्री हरेकल हाजब, समाज सेवा। श्री मधु मंसूरी हसमुख, कला लोक संगीत। डॉक्टर मीनाक्षी जैन, साहित्य एवं शिक्षा। डॉक्टर शांति जैन, मरणोपरांत कला लोक गायन, उनकी बहन श्रीमती शारदा जैन।
श्री बिमल कुमार जैन समाज सेवा। प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। श्रीमती विदुषी के एस जयलक्ष्मी एवं श्री के वी संपत कुमार मरणोपरांत पत्रकारिता, उनके पत्नी के भाई श्री श्रीधर एस। श्री श्रीधर एस के वी संपत कुमार के पत्नी के भाई। श्रीमती सरिता जोशी कला थिएटर। डॉक्टर रवि कनन आर चिकित्सा अंकोलॉजी। श्री अदनान सामी खान कला गायन। डॉक्टर श्री प्रकाश कोठारी साहित्य एवं शिक्षा। डॉक्टर अरुणोदय मंडल चिकित्सा। श्री सत्यनारायणन मुंडेयूर समाज सेवा।
श्री वी के मुनुस्वामी कला टेराकोटा। श्री ललबिया थंगा पच्चाव पत्रकारिता। प्रोफेसर योगेंद्र नाथ फुकन साहित्य एवं शिक्षा। प्रोफेसर टी प्रदीप विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। कुमारी साबरमती एवं श्री राधा मोहन मरणोपरांत जैविक खेती, उनकी पत्नी श्रीमती विजयलक्ष्मी। कुमारी साबरमती। श्रीमती विजयलक्ष्मी। श्री तरुणदीप राय खेल तीरंदाजी। श्री एस रामकृष्णन समाज सेवा।
कुमारी कंगना रनौत कला सिनेमा। सुश्री रानी खेल हॉकी। श्री यडल गोपाल राव कला थिएटर। श्री शहाबुद्दीन राठौड़ साहित्य एवं शिक्षा। श्री चिंतला वेंकट रेड्डी जैविक खेती। श्री बट कृष्ण साहू पशुपालन। श्रीमती ट्रिनिटी सायो कृषि। डॉक्टर विजय संकेश्वर व्यापार एवं उद्योग। डॉक्टर कुशल कुंवर शर्मा
पशु चिकित्सा। श्री श्याम शर्मा कला। श्रीमती काली शाशी शाबी महबूब एवं श्री शेख महबूब सुबानी कला संगीत। श्री शेख महबूब सुबानी। श्री येसे दोर्जी थोंगची साहित्य एवं शिक्षा। श्री आगुस इंद्र उदायना समाज सेवा। श्री सुंदराम वर्मा समाज सेवा पर्यावरण। राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा तो अलंकरण समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए।
माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अलंकरण प्रदान किए। इसके साथ ही दरबार हॉल में आयोजित इस अलंकरण समारोह का पहला चरण यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। बदल